हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर पार्थ होस्टर। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ठीक है, और जितने लोगों ने फॉर्म फिल नहीं करा है वो लोग प्लीज फॉर्म फिल कर देना इस वीक लगता, बिकॉज डेट एक्सटेंड हुई थी, 10 तारीख हुई थी और आज ऑलरेडी 9 है, तो कल लास्ट डेट है। तो अगर अभी तक नहीं भरा है फॉर्म तो प्लीज भर देना, ठीक है, ताकि मिस ना हो। और जैसा कि आप सभी को पता है कि स्कोर बूस्टर सेशन अपना चल रहा है रीजनिंग का, ऑलरेडी 8 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। टुडे इज द 9th पार्ट ऑफ आर स्कोर बूस्टर सेशन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एसबीआई क्लर्क, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट द सेशन विद आवर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखते हैं क्या है आपके इस क्वेश्चन में, जो कि सिलोजिज्म का है। सभी लोग साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो आप लोगों के सामने चली रही है लाइव, मतलब लाइव नहीं है, प्रीमियर चल रहा है, तो आप सभी लोग चाहे तो साथ में इसको सॉल्व कर सकते हैं और देखेंगे इसका आंसर क्या बनेगा। केवल कुछ ही लोग, केवल कुछ ही सी पी है, तो केवल कुछ ही सी अगर पी है तो ये इस तरीके से बनेगा, और सभी पी एफ है तो ये इस तरीके से बनेगा, और कोई भी एफ डब्ल्यू नहीं है तो ये इस तरीके से बनेगा। कंक्लूजन कह रहा है सम सी आर नॉट एफ, बोल रहा है कुछ सी एफ नहीं है। देखो आपको बोला था केवल कुछ ही सी पी है, तो सारे सी पी में नहीं जा पाएंगे लेकिन सारे सी एफ में जा सकते हैं, और वो कह रहा है कुछ सी एफ नहीं है। तो सम नॉट ने मैंने क्या बताया, ऑल चेक कर लिया करो, ऑल हो रहा है कि नहीं, तो सारे सी तो एफ में जा सकते हैं, और जब सारे सी एफ में जा सकते हैं तो सम नॉट क्या हो गया, गलत। कोई भी पी डब्ल्यू नहीं है, कोई भी पी डब्ल्यू नहीं है, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब बाहर वाले से रिश्ता बना तो अंदर वाले से ही बना, तो आंसर होगा ओनली टू फॉलोज ऑप्शन नंबर पी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू सी आर आर, केवल कुछ ही सी क्या है, आर। सी का केवल कुछ पार्ट आर से संबंध रखता है, कोई भी आर बी नहीं है और कोई भी बी ए नहीं है। कंक्लूजन नंबर वन, सम सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट बी, कुछ सी बी नहीं है। सिंपल सी बात है, आप ये बताओ सम सी आर नॉट बी, बोल रहा है सी का कुछ ऐसा पार्ट है जो बी से रिश्ता नहीं रखता। मैं कह रहा हूं सारे सी को बी में डाल के देख लो जा सकते हैं कि नहीं, आप कहोगे सारे सी बी में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आर भी जिद करेगा और आर को तो मना कर रखा है, तो सम सी आर नॉट बी क्या हो गया, सही, क्योंकि ऑल गलत हो रहा है। इन अदर वर्ड्स अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ लो, आप ये देखो सी का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें बी कभी जिंदगी में रिश्ता नहीं बना पाएगा, तो आप कहोगे सर ये वाला कॉमन पार्ट जो सी और आर में शेयर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आर का बी से मना है, तो सम सी आर नॉट बी क्या हो गया, सही। ऑल आर कैन बी ए, क्या सारे आर ए हो सकते हैं, तो आप कहोगे सर आर का तो बी से लड़ाई चल रही है ना, ए से तो कोई लड़ाई नहीं है, तो सारे आर ए में डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑल आर कैन बी क्या हो जाएगा, ट्रू, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, बोथ फॉलोज। मूव करेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन, सम ए आर एल, कुछ ए क्या है, एल, ऑल सी आर टी, ओके, ऑल ए आर एल, फिर सी टी टी एस लास्ट में देखा है, ऑल एल आर टी, ठीक है, ऑल एल आर टी, और कोई भी टी एस नहीं है, और ऑल सी आर टी, ऑल सी आर टी, सभी सी टी भी है, तो सी अपना ऐसे बन गया, थोड़ा मतलब नालायक क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। फिर कंक्लूजन वन कह रहा है सम ए आर नॉट एस, कुछ ए एस नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, ए का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिससे एस शेयर नहीं हो सकता? आपको सर ए के तो कोई सा भी हिस्सा देख लो, ए के सभी हिस्से से एस शेयर हो जाएगा, चाहे इधर देख लो चाहे इधर देख लो, तो सम ए आर नॉट एस क्या हो गया, गलत। क्यों? क्योंकि ए सारा का सारा एस में जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, सारा ए चला गया, सारा ए एस में चला गया, और ए का कुछ पार्ट एल से शेयर होगा तो एल तो बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, गलत है क्या? सम ए आर नॉट एस बोल रहा है, कुछ ए एस नहीं है, तो ए का कौन सा हिस्सा जो है, ओहो सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया, सॉरी मैंने गलत कर दिया यार, सम ए आर नॉट एस बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा, ये दिस वन इज ट्रूली राइट, क्योंकि सारे ए कभी एस में नहीं जा पाएंगे, अगर सारे ए एस में जाएंगे तो एल और टी भी जाएंगे, टी भी जाएगा, क्योंकि देखो एस का टी से मना है, तो मतलब टी के अंदर वाले जितने भी लोग हैं उन सबसे बाय डिफॉल्ट मना हो गया, तो अगर सारे ए एस में गए तो एल नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि एल का एस से रिश्ता बाय डिफॉल्ट मना हो गया है, तो सम ए आर नॉट एस क्या हो गया, सही। क्यों? क्योंकि ए का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, क्या इसमें एस कभी भी रिश्ता बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, तो ए का कुछ पार्ट है जो एस से रिश्ता नहीं रखता। सम एल आर सी, कुछ एल सी है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि एल और सी दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने इनइक्वालिटी का है, जिसमें बोल रहा है एल ग्रेटर के, क्या बोल रहा है, एल ग्रेटर के। अब एल कहाँ है, एल ये गया, और के कहाँ है, के ये गया, और कहीं पे है क्या के, और कहीं नहीं है, दोनों को मिलाएगा कौन, पी मिलाएगा, पी और पी, तो एल से पी पे आए, सारे सिंबल एल की तरफ है,
और पी से के पे गए सारे सिंबल पी की तरफ। ग्रेटर होने के लिए मिनिमम एक ग्रेटर का होना बहुत जरूरी था, लेकिन नहीं मिला अपन को। तो एल और के में जो रिश्ता बनेगा, एल ग्रेटर देन इक्वल के बनेगा, और ग्रेटर देन इक्वल का मतलब होता है कि एल या तो बड़ा होगा या फिर एल बराबर होगा, और जब कभी भी या लग जाए तो समझ लो आइदर और लगेगा। तो एल ग्रेटर के डेफिनेट गलत है और डेफिनेट गलत है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, आइदर वन और टू फोटोस। नेक्स्ट, वी ग्रेटर डी, वी कहाँ है, वी ये गया, और डी कहाँ है, डी ये गया। देखो वी को यहां से ले जाना बेकार है क्योंकि यहां पे सिंबल देख नहीं रहे वी की तरफ, तो केवल ये वाला देख रहा है, वी से ई पे आएंगे और ई से डी पे आने का रास्ता मेरे पास है नहीं, तो अपना पहला कंक्लूजन गलत। सेकंड, जी ग्रेटर देन इक्वल ओ, जी और ओ को कौन मिलाएगा, जी और ओ को मिलाएगा कौन मिलाएगा, एच, जी से एच और एच से ओ। तो जी से एच पे आ गए सिंबल जी की तरफ है, और एच से ओ पे आ गए एच की तरफ सिंबल है। अब अपन को चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल, लेकिन आपको पता है कहीं पे भी अगर एक बार ग्रेटर आ गया तो पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं हम लोग, ग्रेटर को देते हैं, तो सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है जी, तो आंसर क्या होगा, नाइदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉर टू फॉलोस। नेक्स्ट, ओके, पांच क्वेश्चन वहां पे कंप्लीट हुए। यहाँ पे अपना जो स्टार्ट हो रहा है, 6% PGVFEAR पार्टिसिपेटिंग क्विज कॉम्पिटिशन गेट डिफरेंट पॉइंट्स आउट ऑफ 100 एटलीस्ट 3% को। ओके, ऑर्डर एंड रैंकिंग का सवाल है जो हम लोग को भी सॉल्व करना है। बोल रहा है कि 6% की बात कर रहा है, 6% की बात है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6% जो अपन लोग को फिक्स करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा करते हैं। एटलीस्ट 3% गेट लेस पॉइंट्स देन बी, मतलब कम से कम 3 लोगों को तो बी से कम मिला है, 1, 2, 3, कलर चेंज करते हैं, तो कम से कम 3 को मिला है, 1, 2, 3, तो बी अपना इधर इधर या इधर कहीं भी आ सकता है। अभी होल्ड पे रखेंगे इस चीज को, ठीक है। ओनली 2% गॉट पॉइंट्स बिटवीन बी एंड पी, बी और पी के बीच में केवल 2 लोगों को मिला है, बी और पी के बीच में केवल 2 लोगों को, तो बी को अगर यहां रखता हूं तो 1, 2, P, तो ठीक है, अभी हो सकता है बी और पी के बीच में 2 लोग हैं, और कौन आगे पीछे होगा ये मुझे अभी श्योर नहीं है। वैसे श्योर तो ये हो ही गया है ना कि देखो बी को तीसरे पे भी रखूंगा तो पी पहले तो आ ही नहीं पाएगा, और दूसरे पे रखूंगा तब भी पी नहीं आ पाएगा, पहले पे रखूंगा तब भी पी नहीं आएगा, तो पी अपना आना तो बाद में ही है, पी अपना आना तो बाद में ही है, ठीक है, पी अपना आएगा तो बाद में, ये बात तो अपन को क्लियर होगी इस तरीके से। अब कैसे आएगा वो होल्ड पे रखते हैं अभी देखेंगे। जी को मोर पॉइंट मिले एफ से और 1% गेट पॉइंट बिटवीन देम, जी को पॉइंट एफ से ज्यादा मिले, जी को एफ से ज्यादा मिले हैं और इनके बीच में किसी एक को मिले, तो जी और एक छोड़ के एफ, इस तरीके से बनेगा। अभी देखते हैं और क्या बन सकता है। एफ को पॉइंट ज्यादा मिले पी से, ओके, एफ को अगर पी से ज्यादा मिले तो एफ के बाद कहीं पे आएगा पी जाके, एफ के बाद कहीं जाके पी आएगा, तो एफ के बाद कहीं जाके पी आएगा, ओके ओके, चलिए और देख लेते हैं। और ए को कम मिले हैं ई से, ए को कम मिले हैं ई से, मतलब ई को ज्यादा मिले हैं ए से, है ना, ए को कम मिले हैं ई से लेकिन पी से कम नहीं मिले हैं, लेकिन ए को किससे ज्यादा मिले, पी से, ए को ई से कम मिले हैं लेकिन पी से कम नहीं मिले हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो, पी से पहले कितने लोग आने की जिद कर रहे हैं, पी से पहले एफ एक, मतलब ये पी से पहले ये 3 लोग तो है ही है, 3 लोग तो ये वाले हो गए। अब उसमें भी हम लोग को लग रहा है कि मेरे हिसाब से ना, मुझे क्या लग रहा है, पी को ना सबसे लास्ट में बिठाना पड़ेगा। और अभी एक चीज और देख लेते हैं, बी एंड ए गेट 73 और 55, बी और ए को 73, बी को कितने मिले, 73 और ए को मिले 55, ए को मिले 55। अब एक चीज देखो, ए से पहले, सॉरी पी से पहले एटलीस्ट 2 लोग तो ये हैं जो हम लोग को पता है, कौन कौन से, ए और ई, और यहां पे पी से पहले 2 लोग कौन से, एफ और जी, जो मुझे पता है 4 लोग तो ये हो गए, और 5वां पर्सन कौन है, बी, तो ये 5 लोग ऐसे हैं पी से पहले जो हमें डेफिनेट पता है आएंगे ही आएंगे, तो पी अपना कहाँ रहेगा, यहाँ पे, और पी और बी के बीच में 2 है तो 1, 2, बी अपना डेफिनेट यहाँ रहेगा, बी को कितने मिले थे 73, यहाँ लिख दिए अपन लोगों ने। अब मुझे ये पता है कि ए को 55 मिल रहे हैं, तो 55 वाला तो मतलब यहाँ पे आएगा, बी के इस साइड आएगा, बी के बाद आएगा। अब जी और एफ के बीच में 1 पर्सन है, जी और एफ के बीच में 1 पर्सन है, तो जी यहां तो नहीं आ पाएगा, तो जी अपना यहां आ सकता है डेफिनेट, और एफ अपना यहां आ सकता है डेफिनेट, यही बन सकता है। और आपको पता है कि पी से पहले ए और ए को, ए और ई को मिला, तो पी से पहले ए और ए से पहले ई, ये मेरे हिसाब से तो यही सॉल्यूशन बनना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही सॉल्यूशन बनना चाहिए। आप लोग ने क्या बनाया मुझे नहीं पता, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी द राइट सॉल्यूशन, ठीक है। चलो
हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गेट द लीस्ट, लीस्ट किसको मिले, पी को, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यदि जी बी और जी का सम 158 है, बी जी का सम 158, बी और जी का 158, तो बी का कितना है 73, तो 158 में से 73 गए तो 5 15 सक गए 85, तो जी का कितना हो जाएगा, जी का हो जाएगा 85। ठीक है, ये किसके नंबर हो गए, ये हो गए जी के। आगे क्या बोल रहे हैं, और डिफरेंस बिटवीन जी एंड एफ इज 22, जी और एफ में 22 का डिफरेंस है, जी और एफ में कितना है 22, तो जी अगर 85 है तो 85 है तो एफ के कम है, तो 22 माइनस कर दो तो 3 और 63, तो 63 किसके हो गए, एफ के हो गए। लेकिन ये डेफिनेट नहीं है, ये केवल उसी क्वेश्चन के लिए याद रखना, ये किसके हो गए 63, एफ के हो गए। तो पूछा क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ पॉइंट गॉट बाय एफ एंड ए, एफ और ए का सम कितना होगा, तो एफ का 63 और ए का 55, 5 और 3 8 और 6 और 5 11 118 आएगा, कितना आएगा 118, ऑप्शन नंबर सी से मैच करेगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम यही निकाला हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर से ऑर्डर एंड रैंकिंग का ही है, और इसमें थोड़ी सी लेंथी सी लैंग्वेज लग रही है भाई, क्या बवाल दे दिया इसमें, देख लेते हैं। ठीक है चलो, स्कूल एक्स प्लान टू कंडक्ट 5 डिफरेंट क्लासेस, आर्ट क्रिकेट कुकिंग स्पीकिंग एंड योगा विद डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन, कुकिंग क्लास टेक्स मोर टाइम ड्यूरेशन देन योगा। ओके देखो, 5 क्लास होनी है और सबका अलग अलग ड्यूरेशन है, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, कुकिंग जो है ज्यादा टाइम लेती है योगा से, कुकिंग ज्यादा टाइम ले रही है योगा से, तो सी इज ग्रेटर देन वाई, ये अपन को पता चल रहा है, बट लेस देन क्रिकेट। ओके ये सी ओ कर देते हैं, इसको सी आर कर देते हैं, कुकिंग को ज्यादा लग रहा है योगा से लेकिन कम लग रहा है क्रिकेट से, तो क्रिकेट आ जाएगा अपना इधर ऐसे, सी आर करके हमने दिखा दिया है। ठीक है चलो, वन क्लास इज बिटवीन स्पीकिंग एंड आर्ट, स्पीकिंग और आर्ट के बीच में एक क्लास का गैप है, स्पीकिंग और आर्ट के बीच में एक क्लास कोई सी आएगी, अब दोनों में कौन पहले आएगा ये मुझे नहीं पता है। स्पीकिंग टेक्स मोर टाइम देन योगा, स्पीकिंग का योगा से ज्यादा लग रहा है, स्पीकिंग को योगा से ज्यादा लग रहा है बट लेस देन कुकिंग, लेकिन कुकिंग से कम लग रहा है, तो कुकिंग को इससे ज्यादा लगेगा और कुकिंग से ज्यादा किसको लग रहा है, क्रिकेट को, और स्पीकिंग आर्ट के बीच में एक का गैप आना है, तो एक का गैप आना है तो आर्ट या तो सबसे लास्ट में आएगा या फिर कहीं भी हो सकता है, अभी देखेंगे इस चीज को। एटलीस्ट टू क्लासेस आर टेकिंग लेस टाइम देन स्पीकिंग, स्पीकिंग से कम एटलीस्ट दो है, एटलीस्ट अगर दो है तो स्पीकिंग अपनी डेफिनेट यहीं पे रहेगी, यहां पे रहेगी योगा, यहां पे रहेगी आर्ट, स्पीकिंग और आर्ट में एक का हो गया, और स्पीकिंग से पहले दो लोग आने, कौन कौन से हैं, एक है कुकिंग और एक है अपना क्रिकेट, ये इस तरीके से बन गई क्लासेस। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आएगा और यही बनाया होगा। और द क्लास विच टेक्स द लीस्ट ड्यूरेशन टेक्स 9, तो आर्ट की क्लास ले रही है 9 आवर का ड्यूरेशन, और सेकेंड हाईएस्ट ले रही है थ्राइस द टाइम टेकन बाय आर्ट, 8 से 3 गुना, तो 8 से 3 गुना मतलब 9 का 3 गुना 27, तो मतलब सेकंड हाईएस्ट है कुकिंग, कुकिंग ले रही है 27 घंटे, सही है, ज्यादा टाइम लगना भी चाहिए कुकिंग में। ठीक है ओके, क्वेश्चन देखते हैं क्या बनेगा, व्हाट मे बी द पॉसिबल टाइम ड्यूरेशन ऑफ द क्रिकेट, क्रिकेट का क्या होगा, 27 से ज्यादा होगा, 27 से ज्यादा 20 नहीं है, 25 नहीं है, 15 नहीं है, 8 नहीं है, केवल 32 होगा, ऑप्शन नंबर डी 32 आवर्स इज द राइट। नेक्स्ट, यदि टोटल टाइम ड्यूरेशन कुकिंग और स्पीकिंग का 47 है, कुकिंग और स्पीकिंग का कितना है 47, तो स्पीकिंग का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि 27 ऑलरेडी कुकिंग का है, और टोटल टाइम ड्यूरेशन स्पीकिंग योगा का 35 है, स्पीकिंग योगा का 35, तो 20 अगर स्पीकिंग है तो योगा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये केवल इसी क्वेश्चन के लिए वैलिड है, याद रखना ये जो हमने डेटा निकाला है। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ आर्ट स्पीकिंग और योगा, आर्ट स्पीकिंग योगा कहाँ गया, आर्ट स्पीकिंग योगा, तो 20 और 15 35 और 9 44, मतलब 44, मतलब ऑप्शन नंबर सी 44 आर इज द राइट। ये यार होमवर्क में ले लो, है ना, एक दो तो आप लोग भी होमवर्क में ले लिया करो, कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बने। चलो आगे बढ़ते हैं 11th पे, ये अपना आ गया कोडिंग डिकोडिंग, चलो देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले पूछा कोलकाता का कोड क्या होगा, कोलकाता कहाँ पे आ रहा भाई, कश्मीर, यहाँ पे देखो कोलकाता एक मिल गया, यहाँ नहीं है कोलकाता, यहाँ पे कोलकाता दूसरा मिल गया, आज ध्यान से करेंगे, पहले और तीसरे में कोलकाता मिल रहा है, पहले तीसरे में कौन सा कोड कॉमन है, XTM नहीं है, VJS नहीं है, LMV आ रहा है और RPQ नहीं आ रहा, तो मतलब LMV हो गया कोलकाता का, लिख लेना कोलकाता का क्या हो गया LMV, आगे के लिए काम आएगा।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट वीजेएस और ओजीई, वीजेएस और ओजीई, वी जे एस है जीएस है, वीजेएस है सही, वीजेएस और ओजीई किसके कोड होंगे देख लेते हैं। देखो वीजेएस एक तो ये गया और कहां पे है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है और यहां पे, पहले और चौथे में देखो कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है, कोलकाता छोड़ देना क्योंकि कोलकाता ऑलरेडी एलएमबी का है, कश्मीर नहीं है, ढाका आ रहा है, गुजरात नहीं आ रहा, मतलब ढाका का क्या हो जाएगा, ढाका का हो जाएगा वीजेएस, ठीक है भाई। और ओजीई देखो कहां कहां पे आ रहा है, ओजीई पहले में नहीं है, ओजीई दूसरे में है और तीसरे में भी है ओजीई, तो दूसरे तीसरे में कौन सा कॉमन है, गुजरात नहीं है, मथुरा आ रहा है, मथुरा कहीं और तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तमिल नहीं आ रहा, मणिपुर, तो मथुरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा मथुरा, तो मथुरा का हो जाएगा ओजीई, मथुरा का क्या हो जाएगा ओजीई, माय होम टाउन, ठीक है मेरा होम टाउन है मथुरा, तो ढाका और मथुरा इसका आंसर होना चाहिए, ढाका और मथुरा कहीं दे रखा है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। नेक्स्ट आपको पूछा सूरत का कोड क्या होगा, सूरत, सूरत कहां पे है, सूरत पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में दे रखा है सूरत, तीसरे में सूरत मिल रहा है, तो ओजी तो होगा नहीं और एलएमबी होगा नहीं, तो एलएक्सएन और एसएचएल बचे, एलएक्सएन और एसएचएल, अब ऐसा कोड देखो इन दोनों में से जो केवल यहीं पे रिपीट हो, कहीं और रिपीट ना हो, एलएक्सएन और एसएचएल में से के यहां एलएक्सएन एसएचएल नहीं आ रहा, यहां कहीं पे नहीं आ रहा, यहां मतलब इन दोनों में से कोई से भी हो सकता है, सीएनडी आएगा, ठीक है क्या होगा, या तो एसएचएल होगा या एलएक्सएन होगा, तो इधर ए और ई हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे 14th एक्सटीएम और एचवीटी का क्या होगा, सॉरी सॉरी उड़ीसा और कश्मीर का कोड दे रखा है एक्सटीएम और एचवीटी, उड़ीसा और कश्मीर का आपको बोल रहा है, उड़ीसा और कश्मीर का कोड क्या बोला है दोस्त मेरे, एक्सटीएम और एचवीटी भाई, एक्सटीएम और एचवीटी, ठीक है ना, XTM/HVT देखते हैं इन दोनों में से कौन सा किसका बनेगा, पहले कश्मीर देख लो कहां कहां पे आ रहा है, कश्मीर देखो अपना ना पहले नंबर पे आ रहा है कश्मीर, ये गया, और देखो ढाका का हमने पता करा था VGS हो गया, कोलकाता का हमने देखा था क्या हो गया LMB, तो VGS और LMV तो हटाई दो, अब बचता है XTM और RPQ, और हमको देखो उड़ीसा कश्मीर में से कोई इन दोनों XTM HVT दे रखा है, तो XTM किसका हो जाएगा, इस हिसाब से कश्मीर का हो जाएगा, तो कश्मीर का हो गया XTM और उड़ीसा का क्या हो गया बाय डिफॉल्ट HVT, सिंपल है यार, कोई ज्यादा टफ नहीं है। आगे देखते हैं क्या होगा, अब बोल रहा है कि अपन को कर्नाटक मणिपुर गुजरात क्या होगा, कर्नाटक मणिपुर और गुजरात है ना, कर्नाटक मणिपुर गुजरात, अब देखो यहां पे केवल गुजरात इकलौता बचा है, तो RPQ किसका हो जाएगा गुजरात का, है ना, एक तो कोड मिल गया RPQ, अब कर्नाटक मणिपुर देखना है, कर्नाटक यहां पे है और केवल चौथे में दे रखा है, अब चौथे में केवल दे रखा है, तो उड़ीसा का कोड आपको पता चल गया क्या होगा HVT, उड़ीसा का क्या होगा HVT, तो HVT से मतलब नहीं है, ढाका का पता चल गया VGS, VGS से मतलब नहीं है अपन को, तो कर्नाटक का जो कोड होगा वो केवल इकलौता यहां आएगा, क्योंकि तमिल तो अपना रिपीट हो रहा है, तो ऐसा कोड देखो ITN और FU में कौन सा रिपीट हो रहा है, तो ITN FU में देखो FU रिपीट हो रहा है, ITN नहीं हो रहा, तो एक अपना कोड हो गया ITN, ITN किसका हो गया कर्नाटक का, ये केवल इसी क्वेश्चन के लिए वैलिड है याद रखना, और एक किसका चाहिए अपन को, एक चाहिए मणिपुर, है ना, मणिपुर का और चाहिए, तो मणिपुर भैया कहाँ है, मणिपुर अपना केवल दूसरे में आ रहा है ना शायद, हाँ केवल दूसरे में आ रहा है, तो केवल दूसरे में कौन सा कोड कॉमन है, देखो दूसरे में मथुरा का ओजीई पता लगा लिया, ओजीई से मतलब है नहीं अपन को, ठीक है, आरपीक्यू से मतलब है नहीं, आरपीक्यू हमारा गुजरात का हो गया, ठीक है, अब बचा MHZ और FU, MHZ और FU में से FU हटा दो, FU देखो रिपीट हो रहा है दो जगह पे, है ना, तो आपका एक बचा MHZ, तो केवल MHZ आएगा, तो आंसर होगा RPQ, ITN और MHZ, RPQ के संग ITN नहीं है, हटाओ, RPQ के संग ITN और MHZ है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी यही लगाया होगा, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और अगर कहीं पे कुछ गलती हो गई हो तो ह्यूमन एरर समझ के माफ कर देना, ठीक है, बेमतलब में कुछ जज मत करने लग जाना। 16th क्वेश्चन पे आते हैं, 16th क्वेश्चन आप सभी के सामने गया, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड एक्विंटेंस विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज देयर आर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, ओके, ए सी क्यू यू ए आई एन टी ए एन सी ई, बाप रे बाप इतना बड़ा शब्द है, जिंदगी बीत जानी इसमें था,
चलो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं है, सी से देखो सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं है, क्यू से देखो क्यू आर एच टी यू वी डब्ल्यू एक्स मतलब भी नहीं है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड मतलब नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी एच छोड़ दो, आई जे के एल एम एन छोड़ दो, एन ओ पी क्यू आर एस नहीं है, टी से सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि टी के बाद वाले लेटर कोई है नहीं, ए बी सी ए बी सी एक बन गया, एन से बनेगा नहीं, सी से बनेगा नहीं, ठीक है। अब ई से देखो बैकवर्ड में ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी नहीं है, सी से देखो सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं है, एन से देखो एन ओ पी क्यू आर एच टी यू वी नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई नहीं है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई बकवास, एन ओ पी क्यू आर एस नहीं है, आई जे के एल एम नहीं है, ए बी सी डी नहीं है, यू वी डब्ल्यू नहीं है, क्यू से नहीं है, सी, एक ही पेयर बनेगा भाई, मेरा तो एक ही बन रहा है, ओनली वन इज द राइट आंसर 17। क्या है, इफ ऑल द लेटर इन द वर्ड रंपल स्टिल्ट, क्या बकवास है जी, लिख लेते हैं आर यू एम पी ई एल, आर यू एम पी ई एल एस टी आई एल टी एस के आई एल, आप आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अल्फाबेटिकल में अरेंज करना है लेफ्ट टू राइट, तो कितने लेटर अनचेंज रहेंगे, कितने लेटर अनचेंज रहेंगे जब इनको अल्फाबेटिकल में अरेंज कर देंगे, तो करके देख लेते हैं ना, सबसे पहले आपको पता है यू एम पी ई एल में तो मतलब सबसे पहले ई आना है, सबसे पहले ई आएगा, ई को लगा लो, ई के बाद कौन से आने अपने, आई आएगा क्या, ई के बाद अपना आई आएगा, आई कितने है? एक और एक दो, छोड़ने वाला क्वेश्चन है तो बाद में करने लायक क्वेश्चन था, चलो आई के बाद कौन सा आ सकता है, के आएगा ना क्योंकि इसमें हाँ के आएगा, के कितने है? एक एक दे रखा है, एक के आ जाएगा, फिर उसके बाद एल आएगा क्योंकि 11 के बाद 12 आएगा, एल एक दो, दो एल दे रखे हैं तो दो एल लिख लो, एल हटा दो, एल के बाद अपना एम आना चाहिए, एम लिख लो, एम हटा दो, एम एक ही है ना, फिर एन आएगा, एन लिख लो, एन हटा दो, एन कितने है? ठीक है 14 हो गए, 14 15 पे ओ आता है नहीं, 15 16, 16 पे पी आएगा तो पी एक, एक ही पी दे रखा है, पी लिख लो, फिर पी पी 16, 17 पे क्यू आता है नहीं, 18 पे आर आता है, आर एक ही दे रखा है, एक आर है, आर लिख लो, 19 पे एस आता है तो एस कितने हैं? एक और एक दो, दो एस लिख दो, ठीक है भाई ये सब हट गए, टी टी दो टी लिख लो और एक यू बचा, यू लिख लो, कितने अपनी पोजीशन पे रहे हैं, चेंज 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 चेंज, एक ये रह गया, एक चेंज 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 चेंज, एक ये रह गया, दो चेंज चेंज चेंज, टू, ऑप्शन नंबर बी टू इज द राइट, टाइम कंज्यूमिंग और बकवास क्वेश्चन था। इफ इन द वर्ड स्टेबलाइज, स्टेबलाइज वर्ड में क्या करने के लिए बोल रहा है, ईच वोवल इज चेंज टू इमीडिएट नेक्स्ट लेटर, देखो वोवल में क्या करना है, वोवल में प्लस वन करना है और कॉन्सोनेंट को प्रीवियस में करना है, कॉन्सोनेंट को माइनस वन, देन ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है कर लेते हैं, पहले हम वोवल में प्लस वन करना है, ए का बी हो जाएगा, आई का जे और आई का जे, और कॉन्सोनेंट में माइनस वन तो एस में आर और टी में एस और बी का ए और एल का के और जेड का वाई और ई वोवल है ना, ई का एफ, ठीक है उसके बाद उससे बोल रहा है कि ऑल द लेटर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट अल्फाबेटिकल में अरेंज करना है, ये काम नहीं करेंगे, उसने दो स्टेप करे हैं, हमने एक स्टेप करा है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज फोर्थ फ्रॉम द राइट, राइट पे कौन सा होगा, चौथे में, देखो जब इनको अरेंज करूंगा सबसे पहले ए आएगा फिर बी आएगा, दूसरा लेटर ये बी बनेगा, तीसरे पे आपका एफ बनेगा और चौथे पे कौन सा बनेगा, जे बनेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जे इज द राइट, ठीक है तो एक स्टेप हम ऐसे बचा सकते थे इसमें, टाइम बचेगा। 19th, रिलेशनशिप के जो लेटर्स हैं उनको अल्फाबेटिकल में लगा दिया जाए राइट एंड, तो कितने वोवल अपियर होंगे इवन नंबर पोजिशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ ओ हो, आर ई एल ए टी आई ओ एन एस एच आई पी, आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट एंड, हाउ मेनी वोवल्स अपियर एट द इवन नंबर पोजिशन फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से काउंट करना है याद रखना, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर मैं इनको अरेंज करूंगा तो सबसे पहले ए बनेगा, ए के बाद क्या आएगा यार,
ई आना चाहिए ना, ई आ जाएगा ठीक है। ए ई के बाद ओके। अच्छा एक काम करते हैं, वॉवल देख लो कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं ठीक है। तो यहां पे ए आएगा सबसे पहले, फिर ई आएगा यहां पे, तो एक लेटर तो रिपीट हो रहा है, एक लेटर तो रिपीट हो रहा है। हाउ मेनी वॉवल्स अपीयर एट द इवन नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये क्या है इवन नंबर क्वेश्चन है, तो इधर ई आ रहा है। फिर ए ई और दे रखे क्या, ई और नहीं है। फिर ए ई एफ एफ है, एफ नहीं है, जी है क्या, जी नहीं है, लगा ही लेते हैं, टाइम बर्बाद होगा ही होगा। ए और ई तो आ गए अपने, ए और ई के बाद कौन से आ सकते हैं, आर एल ए की है ना, टी आई ओ एन एस एस एच आएगा, एच आएगा, एच हो गया, ए हो गया, ई हो गया। फिर एच के बाद आई आएगा, तो आई अपना इधर आ रहा है, तो मतलब दो लेटर हो गए ठीक है। एच आई, आई के बाद जे, आई दो बार है, तो आई अपना ये वाला भी आएगा, ये वाला आई हो गया, ये वाला आई हो गया, तो दो बार आई आ गए। आई के बाद जे नहीं है, जे के बाद के भी नहीं है, अच्छा ये के एल है क्या, एल आएगा ठीक है, एल को लगा दो। एल एम, एम नहीं है, एन दे रखा है, एन लगा दो, एन और है क्या, नहीं है, ओ, फिर ओ आएगा, ओ लगा दो। फिर पी आएगा, पी लगा दो। अब तो कोई वॉवल बनेगा नहीं ना, और तो कोई वॉवल नहीं है, कितने वॉवल आ रहे हैं, और इवन नंबर क्वेश्चन का, वन टू, क्योंकि दो चार छः आठ, तीन वॉवल आ रहे हैं, ई आई ओ, ई आई ओ मतलब ऑप्शन नंबर सी, थ्री इज द राइट ठीक है। नेक्स्ट 20 आप लोग के लिए होमवर्क है, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा क्या बनेगा ठीक है। आई विल वेट फॉर योर आंसर, मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करके बताते हो, कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं बताते हो, बहुत अच्छा लगता है देख के ठीक है। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू वोंट मिस एनी फ्यूचर अपडेट्स रिगार्डिंग रिगार्डिंग योर स्टडीज राइट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दे रखी है, इस क्लास की पीडीएफ के लिए। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।